जनपद के सीएचसी पीएचसी के चिकित्सा अधिकारियों व रैपिड रिस्पांस टीम की बैठक जनपद के नोडल अधिकारी एवं अपर मुख्य सचिव चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास तथा आबकारी विभाग संजय आर भूसरेड्डी की अध्यक्षता में सर्किट हाउस के एनएक्सी सभागार में संपन्न हुई। बैठक में अपर मुख्य सचिव डॉक्टर संजय आर भूसरेड्डी ने सीएचसी पीएचसी के चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिया कि रैपिड रिस्पांस टीम प्रतिदिन क्षेत्र में जाए और कम से कम 10 मरीजों की जांच अवश्य करे तथा सभी एमवाईसी भी कोरोना मरीजों की पूरी जानकारी एवं रिपोर्ट अपने पास रखें। उन्होंने चिकित्सा अधिकारियों को निर्देशित किया कि कहीं भी दवा की कमी न होने पाए, इसके लिए जब 10% दवा शेष रहे तभी अपने चिकित्सालयों के लिए दवा आदि की मांग कर लें, जिससे दवा की उपलब्धता बनी रहे। उन्होंने घर घर सर्वे पर बल देते हुए कहा कि लोगों को कोरोना से बचाव और जागरूक करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि गंभीर बीमारी वाले लोगों की पहचान सुनिश्चित की जाए तथा तत्काल जांच कराई जाए। उन्होंने कहा कि होम आइसोलेशन में रह रहे व्यक्तियों को प्रतिदिन 2 बार अनिवार्य रूप से फ़ोन किया जाए और उनके स्वास्थ्य की नियमित रूप से निगरानी की जाए। स्वास्थ्य ठीक न होने पर तत्काल कोविड अस्पताल में शिफ्ट किया जाए। यदि किसी मरीज को शिफ्ट कराने में कोई परेशानी आती है तो तत्काल इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम को अवगत कराएं। बैठक में जिलाधिकारी केवीएन पांड्यन ने कहा कि जिला प्रशासन कोरोना से बचाव के लिए पूरी तरह से तैयार है, जो भी मदद की आवश्यकता होगी उसे प्रदान किया जाएगा। लोगों की जान बचाना हमारी प्राथमिकता है, जिसमें सभी का सहयोग जरूरी है। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह, अपर निदेशक स्वास्थ्य डॉक्टर जे एम त्रिपाठी, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नंद कुमार सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी एवं सभी सीएचसी पीएचसी के चिकित्सा अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जनपद के नोडल अधिकारी डॉक्टर संजय आर भूसरेड्डी ने कहा, कोविड का कोई आइटम बताया और इमरजेंसी ब्लड को का कोई आइटम बता दीजिए या उसका आइटम बता दीजिए। बेटर मान्य हो रहा है, हाँ हो गया, बोलिए बेटर बेटर। एक्चुअली हम जो हमारी ईडीसी से रिलेटेड जो भी इमरजेंसी है, जैसे हम लोग कई मोर्चों पे कर रहे हैं, जैसे बाढ़ग्रस्त भी है और काफ़ी दूरस्थ भी है, तो वो अंडरस्टूड है। जब आप बोल रहे हैं दूर के हो, अंडरस्टूड है, सिंपल कम टू द पॉइंट, वी हैव लॉट्स ऑफ इश्यूज टू डिस्कस। आपको इस समय जो जरूरत है सर, आपको पिछली बार जो भी आपके कंज्यूमेबल है इमरजेंसी ड्रग्स और इमरजेंसी कंज्यूमेबल्स एंड कोविड कंज्यूमेबल्स, उसमें आप जब इंडेंट कर रहे हो तो आपको कितने दिन लग रहे हैं? इस फील फ्री, दिस इज नॉट अ रिक्रूटमेंट, हम आपका एसीआर नहीं लिखने बैठे, हम आपका रिव्यू नहीं कर रहे हैं, यहाँ कोई आपको ट्रांसफर सस्पेंशन की बात नहीं हो रही। ये हम आपको संडे के दिन दोपहर में बुलाए गैराज में फॉर एन इंटेलेक्चुअल डिस्कशन। मैं आपसे एक सिंपल प्रश्न पूछ रहा हूँ कि आपके हॉस्पिटल सबसे दूर है, मुझे चिंता ये है कि आपको सामग्री समय से पहुँचे। आप मुझे सिंपल से ये बताइए कि आपको जो सामग्री है वो आपका कोई भी दो आइटम उठा के दे दीजिए, उठा लीजिए या स्नेक बाइट उठा लीजिए और कोविड का कोई आइटम उठा लीजिए, मास्क वगैरह कुछ उठा लीजिए, सैनिटाइजर उठा लीजिए, कुछ उठा लीजिए। कल जैसे हमारा स्टाफ अधिकांश हमारे आंगनबाड़ी वर्कर और आशा वर्कर ने कहा कि अपने जो फिगर वाला जो है उसमें हमने कहा कि आप पब्लिक को सैनिटाइज करके यूज करिए, अदरवाइज आप सबको टच कराओगे और एक कोविड अलग फैलाओगे। दुनिया भर के हमारे प्रॉब्लम्स है, कभी बाढ़ भी आ रहा है, आ गया है कई जगह पे, पानी भर गया है, बढ़ रहा है और ये अगले महीना भर की सिचुएशन रहेगी, तो आपके पास प्लान बी भी होना चाहिए कि अगर नहीं है सैनिटाइजर तो हाथ धुलवा देंगे। तो हमको सिर्फ ये बताइए कि आपको पिछली बार दो आइटम
कितना दिन लगा गाड़ी भेज करके मंगवा लिया? आप मेरे प्रश्न का उत्तर ही दीजिए डॉक्टर। हाँ सर, मैं सर बहुत सिंपल सी बात पूछ रहा हूँ मैडम, जरा बता देना क्या बोला भाई कौन करके, भाई कौन करके बोलिए मैं क्या बोलूँ। सौ आए थे तो या 50 आए थे, इसका मतलब ये हुआ कि आपको 3 दिन लग रहा और 1 दिन पर स्नेक बाइट का केस आ रहा, तो आपके पास मिनिमम 5 होना चाहिए, एटलीस्ट 4 होना चाहिए। कुछ नहीं तो 3 तो होना ही चाहिए, क्योंकि स्नेक बाइट 1 दिन नहीं रुक सकता, यू हैव टू इंजेक्ट इट इमीडिएटली। तो आपके पास आपका इन्वेंटरी मैनेजमेंट स्नेक बाइट में ऐसा होना चाहिए कि जब आपको 50 आया था और जब आपके पास 5 बज गए, 6 बज गए या 7 बज गए, आपको इंडेंट कर देना चाहिए कि कहां फेल हो, ये अच्छी बात है। दिन भर आप कुछ नहीं कर रहे, सैटरडे संडे भी हम दबा रहे, फैमिली को टाइम भी नहीं दे रहे, फैमिली से दूर रह रहे, सुबह डे नो डे और इज श्योर दैट ही ऑफर अब आपके पास कल आपने मुझे दिया है ना, मंडे को कल को इवेंट हो गया। अब देखिए हम संपर्क में कितने लोग आते रहते हैं, उन लोग सभी को बताना पड़ेगा, सभी को समझाना पड़ेगा, सभी को सेंसिटिव कराना पड़ेगा, मजबूरन बार बार दुराके दुराके। ताकि तो कुछ मीडिया वाले मजाक किए हैं, कुछ सोशल मीडिया में मजाक चलता है, बहुत सारे गलत इंफॉर्मेशन, मिसकम्युनिकेशन, क्या क्या चीजें नहीं चल रहा है, टीवी ऑन करेंगे तो फिर हम पागल हो जाएंगे, बिकॉज पीपल इज बम्बार्डेड विद रॉन्ग इंफॉर्मेशन, नेगेटिव इंफॉर्मेशन। सही सोर्स आपकी है, डॉक्टर ही तो बताएंगे भाई कैसे फैलेगा, कैसे लक्षण है, कैसे रोकना है। आपको मुंह से जो निकलता है वो ऑफिशियल है, वो 100% सही है, वो सच्चाई है, सत्य है, वो मानते हैं, वो हम यूज नहीं करते हैं। बहुत लोग तो रिजर्व रहते हैं, बट मैं आपसे अनुरोध करता हूँ बी वोकल, हर जगह चिल्लाना पड़ेगा, बात करना पड़ता है, चिल्लाने से बात करने से 2-3 जान बच जाता है, अच्छी बात है। बट प्रचार प्रसार के लिए होर्डिंग वर्डिंग बैनर कहाँ कहाँ बता सकते हैं, कहाँ कहाँ वोकल रह सकते हैं, कहाँ कहाँ कन्विंस कर सकते हैं, कितने माध्यम से, प्रधान के माध्यम से, उनका आपके रीजन के कितने कितने संगठन है, स्पेशल ग्रुप से सबको कितने एक्टिवेट करा सकते हैं, बी एस ए कैटलिस्ट, वो तो आपका कराना पड़ेगा। हम प्रयास तो कर रहा हूँ, बताए सेटअप भी देर भी नहीं लू, जहाँ तो मैं तो मेरे पास खुद तो फील्ड में निकलने के समय बहुत कम हो गया, नहीं तो हर गली में उनकी घूमता हूँ, देखे होंगे आप जाके आपके नीचे छोटे छोटे वाले का एक्टिवेट करेंगे, बहुत सारे लोग एक्टिवली इन्वॉल्व करने चाहते हैं, आप प्रधान को बुला लेंगे, सेक्रेटरी को बुला लेंगे, अलग अलग आपने छोटी छोटी मीटिंग से एक्टिवेट करा दी तो वो गली गली जाकर के बता देगा भाई ऐसे ऐसे चलता है, ऐसे चल रहा है, तो ऐसे रहना चाहिए। ये अवेयरनेस इससे नहीं छे है ना, ये 4-5 चीज आपको बताए ना याद रखिए, सो दैट व्हेन इट कम्स टू यू इसकी और इसको थोड़ा इम्प्रूव करके हम लोग दे रहे हैं आपके आरआरटी और सबके पास में, आप लोगों को इसकी कॉपी देंगे जो आपके रजिस्ट्रेशन वगैरह होता है, तो वो कोमॉर्बिडिटी छुपाते हैं। तो देखिए एज अ डॉक्टर इट्स वेरी इजी फॉर यू टू क्रॉस चेक हिम, अगर आप उसको आप 50 साल के ऊपर है, 55 साल के ऊपर है, आपने पूछा आपको शक्कर की बीमारी है, वो छुपा रहा है कि नहीं है, अच्छा ठीक है, आप उससे पूछो कुछ और पूछिए, उसके बाद थोड़ी देर बाद एक क्वेश्चन पूछने को नेक्स्ट क्वेश्चन को आप पूछिए आप कितनी मिठाई खा लेते हो, मिठाई खा कौन सी मिठाई पसंद है, कितनी बार खाते हो, क्या आप मीठी चाय पीते हो, खुद ही थोड़ी देर को उगल लेगा कि मैं शक्कर नहीं खाता हूँ, क्यों नहीं खाते हैं तो वो उगल लेगा कि मैं डायबिटिक हूँ। दूसरी बात यह है कि क्या उसको पहले कभी ट्यूबरक्लोसिस हुआ आप ये पूछ लीजिए, तो उसके लंग्स के कॉम्प्रोमाइज होने का पोजिशन आपको पता चल जाएगा। तो देर आर वेज ऑफ डिटेक्टिंग, उसे ये पूछिए कि वो कौन सी दवाइयाँ खाते हैं, अगर वो दवाई वो बता रहा है डेलियम बता रहा है टेलमा बता रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, डेलियम टेलमा कौन खाता है, बीटा ब्लॉकर कौन खाता है, क्यों खाते हैं पूछिए, अगर कहेगा ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन है वो कहता नहीं बाबू जी नहीं डॉक्टर साहब, तो उसे पूछिए क्या आप दवाइयाँ कौन सी खाते हैं रोज, क्या रोज कोई दवाई खाते हैं, बोले हाँ खाते हैं कौन सी दवाई खाते हैं, अगर वो बीटा ब्लॉकर बोल रहा तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, हाइपरटेंशन की दवाई बोल रहा तो खुद ही आपको समझ में आ जाएगा, अगर वो ब्लड प्रेशर की दवाई खा रहा तो खुद ही आपको समझ में आ जाएगा, अगर वो कोई डायबिटिक मेडिसिन ले रहा तो खुद ही समझ में आ जाएगा। ये आपको ना कल जैसे कुछ डॉक्टर्स कह रहे थे कि आपको छुपाते हैं,
तो जरा क्रॉस क्वेश्चन कर दीजिए इंटेलिजेंटली, तुरंत आप उसकी कोमॉर्बिडिटी निकाल सकते हैं। देखिए जो ये एक नई महामारी है पिछले मार्च से, जैसे जैसे चीज़ें उभर रहे हैं उसके हिसाब से हमें व्यवस्था को भी और उसको सुदृढ़ करना है, और नए नए समस्याएं उभर के आ रही है, नए नए स्वास्थ्य की उसके पहलू उभर के आ रहे हैं, उसके हिसाब से हम लोग को अपनी व्यवस्था को और उसके अनुरूप ढालना है, उसको सुदृढ़ करना है। उस दिशा में पिछले 3 महीने से शासन प्रशासन पूरा लगा हुआ है, और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश है कि शासन के कि हर आदमी को की जांच होनी है जो कोविड किस जिसके में सिम्टम्स है या वो उसमें ऐसे लक्ष्य उसमें परिलक्षित हो रहे हैं, उसमें उसके सिम्टम्स परिलक्षित हो रहे हैं, तो उसको देखते हुए उसका यथाशीघ्र इसमें ही होना है। मैंने कल और परसों भी कहा कि पेशेंट्स को इसमें देखिए, ये कोई इसमें कोई स्टिग्मा नहीं है, कोई इसमें छूत अछूत की बात नहीं है। जैसे हमें छींक सर्दी होती है, फ्लू होता है, सर दर्द होता है, ज़ुकाम होता है, ये हर बारिश के सीज़न में होता है, हर जब मौसम बदलता होता है, ये उसी प्रकार का एक वायरल डिजीज़ है। तो हर बार हम वायरल होते तो कोई थोड़ी इसमें कोई स्टिग्मा है या कोई छूत अछूत है, तो इसमें बहुत परेशानी होने की बात नहीं है। और ये समाज में हर एक में धीरे धीरे इसका प्रकोप फैलता है, फैलेगा, तो इसीलिए केवल हमको सचेत होना है, सतर्क होना है, अपने अपने परिवार और अपने आसपास की उसको सुरक्षित रखना है, साफ रखना है, उसका हाइजीनिक रखना है। अभी भी मैं देख रहा हूँ इतना सब कानून, सख्त कानून भी आ गया संचारी रोग पे, उसके बावजूद लोग थूक रहे हैं, पान खा रहे हैं। पान पीक सिगरेट सबसे ज़्यादा इसको फैलाने में मदद करता है, तो पान पीक थूक सिगरेट नहीं करना है, है ना। और अगर आप जो भी कर रहे हैं तो अपने टॉयलेट बाथरूम और वॉश बेसिन में करें, लेकिन पब्लिक वॉशरूम, पब्लिक वॉश बेसिन, पब्लिक प्लेसेस, दफ्तरों में, यहाँ पर नहीं होना है। तो ये सब हमें पब्लिक को ये करना है, सचेत करना है, उनको काउंसलिंग करना है, उनको आगाह करना है, उनको प्रशिक्षित करना है, उनको शिक्षित करना है, और इसके बाद अगर नहीं समझेंगे तो फिर ये नॉन अवेलेबल और कॉग्नाइजेबल ऑफेंस है, फिर हम उनको उठा के जेल में डालेंगे। शासन प्रशासन की मंशा नहीं है कि किसी को हम जेल में डालें, लेकिन कोई हमें मजबूर करेगा और समाज के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करेगा तो फिर हम उसको जेल में डालने में भी नहीं हिचकिचाएंगे। और इसमें सबसे अनुरोध है कि सब लोग आगे बढ़ के संचारी रोग, वैश्विक महामारी कोई सरकार या कोई विभाग या कोई प्रशासन, जिला प्रशासन नहीं रोक सकता। इसमें एक जन सहभागिता की आवश्यकता है, सबको मिलकर करना होगा, तभी हम समाज के स्वास्थ्य को सुरक्षित रख पाएंगे। सर, काफी टेस्टिंग हुई गोरखपुर में, जो होम क्वारंटीन लिए आइसोलेट है उनके लिए क्या? जितने होम क्वारंटीन में हैं और कोविड पॉजिटिव में एसिम्प्टोमेटिक है, अगर उनमें कोई लक्षण नहीं है जो गंभीरता को दर्शाते हैं, तब तो उनको वो अनुमति दी जाएगी। होम क्वारंटाइन में रहना लोगों का अधिकार नहीं है, लोग उसे अपना अधिकार मान रहे हैं, अधिकार नहीं है, ये सुविधा है, उस समय तक दी जाएगी जब तक लोगों को कोई ऐसे लक्षण परिलक्षित नहीं हो रहे हैं जिससे ये लगे कि अब ये गंभीरता की तरफ जा रहे हैं। अगर गंभीरता की तरफ जाएंगे तो उनको तुरंत हम L1 L2 में शिफ्ट कर देंगे। ये अब हर मतलब उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, रैपिड रिस्पांस टीम उनके क्लस्टर्स बना दिए गए, ग्रुप्स बना दिए गए पेशेंट्स के, और रोज़ वो न्यूनतम 10 पेशेंट्स को जाके देखेंगे, और डॉक्टर्स अपने फ़ोन के माध्यम से दिन में 2 बार पेशेंट से वार्तालाप करेंगे, उनका हालचाल पूछेंगे, और जरा भी वो एसिम्प्टोमैटिक से सिम्प्टोमैटिक की दिशा में बढ़ेंगे, उनको सांस लेने में दिक्कत होगी, सांस फूलेगा, टेम्परेचर आएगा, या इस प्रकार के कोई लक्षण परिलक्षित हो गए कोविड के, तो उनको तुरंत L2 में शिफ्ट कर दिया जाएगा। सर, टेस्टिंग क्षमता भी बढ़ा जाएगी? टेस्टिंग तो बढ़ ही रहा है।